और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको बेंगलुरु, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कर्नाटक में सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। आज दोपहर सीएम गहलोत बेंगलुरु पहुंचे, फिलहाल कारोबारी जुगराज जैन के घर पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत। आपको बता दें कल सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सांसद नीरज डांगी भी मौजूद होंगे। आप सच बेधड़क से एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर प्रवासी राजस्थानियों के बीच पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। नीरज डांगी, सुधीर संदीप चौधरी भी मौजूद हैं उनके साथ में। बेंगलुरु में से आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं अपने टेलीविजन पर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया जा रहा है। कारोबारी जुगराज जैन के घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको बता दें मारवाड़ी समाज ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है, उनके साथ में तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं। लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन पर सच बेधड़क के माध्यम से, जहां पर बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानियों से बातचीत करने, चर्चा करने कारोबारी जुगराज जैन के घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मारवाड़ी समाज, बेंगलुरु के मारवाड़ी समाज ने उनका अभिनंदन किया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में है फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रवासी राजस्थानियों के बीच में उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। कारोबारी जुगराज जैन के घर पर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं। उनके पहुंचने पर मारवाड़ी समाज ने उनका स्वागत किया है। संदीप चौधरी, पुखराज पराशर, नीरज डांगी जैसे तमाम बड़े नेता उनके साथ में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानियों से बातचीत करेंगे। और इसी के चलते कारोबारी जुगराज जैन के घर पहुंचे हैं। आपको बता दें मारवाड़ी समाज ने सीएम का स्वागत किया है और उनके साथ में नीरज डांगी मौजूद हैं, पीसीसी चीफ मौजूद हैं और कांग्रेस के और बड़े नेता भी उनके साथ में मौजूद हैं, जो प्रवासी राजस्थानियों से बातचीत करेंगे। वहाँ के कारोबारी जुगराज जैन के घर पे उपस्थित हैं फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आप लाइव तस्वीरें सच बेधड़क से एक्सक्लूसिव देख सकते हैं अपने टेलीविजन पर, जहाँ पे मुख्यमंत्री बेंगलुरु में एक कारोबारी के घर पहुँचे हैं, जहाँ पर वो प्रवासी राजस्थानियों से बातचीत करेंगे। उनके बीच पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री की छवि है, उनकी सहजता है कि वो हर वर्ग से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, अपनी बात उनकी बात सुनते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। कर्नाटक में भी चुनाव से पहले उन्होंने कैंपेन किया था, जिसका नतीजा हमने देखा किस तरह से कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। और कल सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए आज बेंगलुरु में उपस्थित हैं। फिलहाल मारवाड़ी समाज से बातचीत कर रहे हैं, वहां पर मौजूद प्रवासी राजस्थानियों के बीच मौजूद हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं, नीरज डांगी हैं सांसद और तमाम बड़े नेता हैं। मारवाड़ी समाज ने उनका स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है। प्रवासी राजस्थानियों के बीच पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहां के कारोबारी जुगराज जैन के घर पर फिलहाल मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उन्हें शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उत्साह है समाज के लोगों में उनका उनके स्वागत करने का। और वहां का जो पारंपरिक तरीका है अभिनंदन करने का, जिस तरह से माला पहनाई जा रही है और उनको एक शॉल ओढ़ाई जा रही है, उनका स्वागत सत्कार कर्नाटक की परम्परा के अनुसार किया जा रहा है। आपने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। और अब जो समाज के लोग हैं अब पीसीसी चीफ का स्वागत कर रहे हैं, उनको शॉल पहनाई जा रही है। कर्नाटक के रंग में, कर्नाटक के परंपरागत तरीके से नेताओं का अभिनंदन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें कारोबारी जुगराज जैन के घर से, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उनके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, नीरज डांगी हैं, संदीप चौधरी और पुखराज पराशर भी मौजूद हैं। और इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ गए हमारे सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ में। दिनेश, क्या है प्रोग्राम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का? लखनऊ के बीच में सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं और जालौर के मूल निवासी है जुगलराज जैन और लंबे समय से वो बेंगलुरु में रह रहे हैं, बड़ा उनके कपड़े का कारोबार है। वहां पर प्रवासी राजस्थानियों के एक स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है सीएम अशोक गहलोत का। उन्होंने
डोटा स्वागत किया है, बीसीसीआई बोल सिंह डोटासरा भी उनके साथ है और अन्य जो कांग्रेस के नेता है वो भी मौजूद है जी। और जिस इलाके में आए हैं काफी तादाद में यहाँ राजस्थान के मूल निवासी जालौर पाली सिरोही मारवाड़ के लोग यहाँ पर रहते हैं और हर सेक्टर में उन्होंने अपनी कह सकते हैं कि अपनी मेहनत से कामयाबी के झंडे गाड़े। उनके बीच में सीएम अशोक गहलोत आए, स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रवासी राजस्थानी सीएम अशोक गहलोत का जो यहाँ की ट्रेडिशनल माला है और तापा है उसका पहनाकर स्वागत किया है। गोविंद सिंह डोटासरा का भी स्वागत किया है और अब सीएम अशोक गहलोत उनसे एक फॉर्मल चर्चा करेंगे कि किस तरह आप यहाँ काम करते हैं, किस तरह कांग्रेस की सरकार आई, किस तरह भाजपा सरकार में जो एक औपचारिक चर्चा यहाँ पर होती है। तो अपनों के बीच में, मारवाड़ी समाज के बीच में, प्रवासी राजस्थानियों के बीच में सीएम अशोक गहलोत मौजूद है और कह सकते हैं एक मिनी राजस्थान जैसी संस्कृति यहाँ पर साकार हो चुकी है बेंगलुरु शहर में। और दो दिन के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत बेंगलुरु पहुंचे हैं। कल दोपहर 12:30 बजे सिद्धारमैया के सीएम पद पर शपथ ग्रहण के समारोह में वो यहाँ पर हिस्सा लेंगे और करीब 1 दर्जन से ज्यादा राजस्थान के कांग्रेस नेता भी बेंगलुरु में मौजूद है और करीब 12 लाख वोटर यानी प्रवासी राजस्थानियों के यहाँ पर है। बेंगलोर की तमाम सीटों पर मारवाड़ी वोटों का एक अहम रोल है और करीब 20 लाख की आबादी है जी। बिल्कुल, और प्रचार के समय कर्नाटक में कैंपेनिंग के लिए भी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे और कहा था कि कांग्रेस के फेवर में वोट करें। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ प्रचार दिखाए गए थे पार्टी की तरफ से। 3 दिन उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, बेंगलुरु शहर में उन्होंने प्रचार किया, उसके अलावा मैंगलोरु और हुबली सहित कई जिलों में गए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन किया और मारवाड़ी जो वोटर है, जो राजस्थानी समाज के लोग यहाँ पर रहते उनमें भी उनकी काफी गहरी पेठ है और यहाँ पर जो व्यापारी है जुगल राज जैन उनके परिजनों से सीएम अशोक गहलोत मिलते हुए उनसे मुलाकात करते हुए जी। ये एक शिष्टाचार एक औपचारिक भेंट है दिनेश, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि हमारे मुख्यमंत्री कितने सहज है और समाज के हर वर्ग को जो है वो उनसे एक संबंध रखते हैं, एक संवाद रखते हैं और उसी का अभिवादन करने, उसी का आभार व्यक्त करने मुख्यमंत्री खुद एक व्यापारी के घर पहुंचे हुए हैं। पूरा एक परिवार है, प्रवासी राजस्थानी है, मूल रूप से ये राजस्थान के जालौर सिरोही पाली इन जिलों के रहने वाले हैं और अपने व्यापार कारोबार के चलते मुंबई बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे शहरों में यहाँ पर रहते हैं और काफी तादाद में जैसे मैंने बताया कि 20 लाख की आबादी है बेंगलुरु शहर की, वो राजस्थान के जो मूल नागरिक है जो लंबे समय से यानी 50 साल से 20 साल से 25 साल से यहाँ पर रह रहे उनके अपने बीच में आज ये अपनी जड़ें यहाँ पर नहीं भूले, अपने पैतृक गाँव में इन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, ये एक अच्छी है। तो जिस तरह एक बाबाचा और दानदाता का ये रोल निभाते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है, भले ही ये हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में रहते हो लेकिन आज तक अपनी जड़ें ये नहीं भूले हैं। जो काम इनका है जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, अपने पुरखों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी मेहनत से अपना व्यापार आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ सीएम अपनों के बीच में आए हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनका जोरदार यहाँ पर स्वागत किया गया है और स्वागत के बेला के बाद अब सीएम अशोक गहलोत उनसे फॉर्मल चर्चा करेंगे किस तरह आप रहते हैं, किस तरह जीवन यापन करते हैं, जो आम इंसान बातचीत यहाँ पर। और दिनेश, अगर हम देखें राजस्थान के जो लोग हैं, जो मारवाड़ी समाज है, वो पूरे देश में कई हिस्सों में मौजूद है और उनका अपना एक वर्चस्व है, उनके जो काम है, जिस तरह से वो व्यापार करते हैं उसकी एक अलग पहचान है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कर्नाटक हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, राजस्थानियों की मारवाड़ियों की अपनी एक अस्तित्व है, अपनी एक पहचान है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि जो मूल रूप से राजस्थान के नागरिक है वो कभी अपनी जड़ें यहाँ पर नहीं भूलते, जिस तरह उनका काम करने का तरीका है अहमदाबाद हो या फिर मुंबई हो, बेंगलोर हो या अन्य हिंदुस्तान के शहर हो, वहां जाकर वो अपनी मेहनत से अपने व्यापार को बढ़ावा तो दे रहे हैं, साथ ही जो अपनी राजस्थान की मूल जड़ें हैं उनको भी नहीं भूलते, आज भी अपने पैतृक गांव में जाते हैं, वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, चाहे अस्पताल की सुविधा हो या फिर कोई शिक्षण संस्थान हो, बढ़ चढ़ कर ही अपना योगदान देते हैं। इसलिए कभी भी सीएम अशोक गहलोत जब भी ऐसे शहरों में जाते हैं उनके बीच में जाते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं और सरकार के से जुड़ा कोई काम हो तो बिल्कुल वो उनकी मदद करते हैं नियमों के तहत। इसीलिए
शुरुआती राजस्थान से उनका एक अलग लगाव रहा है, एक अलग उनका अपना कोई रहा। इसके बाद क्या प्रोग्राम है मुख्यमंत्री का, क्या है उनका शेड्यूल जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री बैक टू बैक दौरे करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जनसंवाद करते हैं, अब उनका आगे का क्या कार्यक्रम है? शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल दिनेश डांगी से आपको बता दें, दिनेश ने बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री जो हैं वहाँ के प्रवासी राजस्थानियों से, मारवाड़ी समाज के लोगों से, वहाँ के प्रतिनिधियों से मिले हैं, उनके घर पहुँचे हैं। राजस्थान के कारोबारी जुगराज जैन जो कपड़े का व्यापार करते हैं, उनके घर पहुँचे हैं उनसे मिलने के लिए। और मारवाड़ी समाज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। उनके साथ में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और संदीप चौधरी भी मौजूद रहे, पुखराज पराशर भी रहे। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच बेधड़क के माध्यम से अपने टेलीविजन पर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानियों के बीच पहुंचे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव से पहले 3 दिन मुख्यमंत्री ने कैंपेनिंग की थी और उसका परिणाम हमने देखा है, और विभिन्न वर्गों से, खासतौर से जो राजस्थान के लोग हैं, उनसे अपील की थी कि वो कांग्रेस को वोट दें, जिसका परिणाम हमने देखा। और आज वो बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां पर कल CM के शपथ ग्रहण समारोह में वो भाग लेंगे, जहां पर सिद्धारमैया को CM की जो है शपथ है वो दिलाई जाएगी, उसी में शामिल होने मुख्यमंत्री आज बेंगलुरु पहुंचे, कल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और फिलहाल मारवाड़ी समाज के द्वारा एक अभिनंदन कार्यक्रम जो चल रहा है, उसमें पहुँचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ ही आप देख सकते हैं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उनके साथ में नीरज डांगी मौजूद है, संदीप चौधरी मौजूद हैं और तमाम बड़े नेता भी हैं। मारवाड़ी समाज के लोग वहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने परंपरागत तरीके से मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया है, उनका अभिवादन किया है, साथ में से PCC चीफ का भी पारंपरिक तरीके से अभिनंदन और स्वागत किया गया है। मारवाड़ी समाज से मिलने, उनसे संवाद करने पहुँचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि वो हमेशा अपने समाज के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो। इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए जो भी काम है, उसमें वो अपना सहयोग और अपना पूरा योगदान दे सकें। इसी के चलते मारवाड़ी समाज से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कारोबारी जुगराज जैन के घर पर हैं फिलहाल।